द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस कड़ी में कृषि मेले में हम आए इंदौर के, और यहाँ पर हमने मशरूम का एक स्टॉल देखा है जहाँ पर मशरूम का उत्पादन किया जाता है और उसके द्वारा संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और कार्यशालाएं आयोजित करके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इसका उत्पादन किस तरह से की जाए, इसकी जागरूकता लोगों के बीच में बढ़ सके और ये प्रोटीन युक्त मशरूम सबको उपलब्ध हो सके। तो आइए हम आज जानकारी लेते हैं कि इसमें किस विधि द्वारा इसको उत्पादन किया जाता है। हमारे साथ हितेश यादव जी और उनकी टीम यहाँ पर है, एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर के ही कार्यालय से हैं ये लोग, और ये मशरूम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और आम जन को ट्रेनिंग देते हैं। और आइए जानते हैं कि ये किस इसकी प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। तो हितेश जी बताएं कि इसमें शुरुआत में किस तरह से इसका बीज बोया जाता है या क्या क्या चीज़ें लेना पड़ती हैं, एक शॉर्टकट तरीके से आप बता पाएंगे। जी सर, सबसे पहले मशरूम जो रहता है इसके सर जो बीज होता है उसको स्पोन बोलते हैं हम। ये सर प्रॉपर लैब में इसका ग्रो किया जाता है। अच्छा। तो सर जो भी मतलब उगाना चाहता है तो उसको, जैसे नॉर्मल किसान है तो उनके पास इतनी बड़ी प्रयोगशाला नहीं होती। अच्छा। है तो उनको ये उगाने के लिए मतलब ये डायरेक्ट वो खरीद सकते हैं। वो या तो हमारे कॉलेज के उसमें आके खरीद सकते हैं हम लोग भी, और जो कुछ दूर से हैं जैसे मान लो आ नहीं सकते वो आसपास भी कहीं पर भी जहाँ पे स्पोन मिल रहा है वो उसको खरीद के और फिर उगा सकते हैं। और सर उसके बाद में इसको मतलब ये सबसे कम खर्चे में उगने वाली है, और इसमें अपन को जगह की भी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी जगह अपने पास, जैसे एक खाली कमरा हो जो अपन यूज़ नहीं कर रहे उसमें भी अपन मशरूम उगा सकते हैं, या फिर कई बार होता है वॉशरूम वगैरह रहते हैं जो उसके पास जहाँ पर भी अपने पास खाली जगह है वहाँ पर अपन इसको उगा सकते हैं। बहुत कम लागत में उगता है, इसमें सिर्फ हमें भूसे की ज़रूरत होती है। और ये आपने जो लगा रखा है? यस सर, ये जो है इसमें भूसा है, इसको गला के और इसको प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है, और उसके बाद में इसमें वो इसको स्पोन को डाल के और फिर इसको रख दिया जाता है, इसमें छेद कर दिया जाता है। तो उस छेद में सर मौसम और मतलब जो नमी रहती है उसके हिसाब से 20 से 25 दिन के बाद में इनमें से ये जो छेद है इनमें से मशरूम निकलने लग जाता है सर। और ये वाली हम ऑयस्टर वैरायटी है वो गाते हैं, ऐसे इनकी दो तीन वैरायटियाँ होती है, बटन भी होती है, ऑयस्टर भी होती है, मेनली वही उगाते हैं अपने इंडिया के अंदर। और इसमें कितना स्पॉन लेने से कितना उत्पादन होगा ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसा होता है कि एक जो बैग है ये जो अपनी साइज है इसमें दो किलो के आसपास अपना भूसा हो जाएगा। अच्छा। और इसमें से सर 2 महीने तक इसमें से मशरूम उगते रहते हैं अपन उसमें वो पानी डालते रहे इसमें, तो सर लगभग 1 किलो से अपन 2 से 3 किलो तो आराम से मिल जाएगा सर, अगर अपन अच्छे से प्रॉपर वो करें तो। छोटी सी जगह पे भी ये? हाँ सर, जैसे ये हमने टांग रखा है ना यहाँ पे, ऐसे ही अपन घर में कैसे भी 4 या 5 लेयर्स में लगा के और उनको ऊपर नीचे टांग सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग इस कार्य के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं क्या? हाँ सर, हमारे कॉलेज में 2 से लेके 5 दिन तक की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। उसके लिए आपको जैसे अभी हम डिटेल्स लिख रहे हैं और जब भी वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम लोग कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर में? यस सर, एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर की जो मशरूम यूनिट है ना, जो ICR से वो है एफिलिएट है, वो प्रॉपर इसका मशरूम प्रोडक्शन के लिए पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस भी तय है? सर वो उस पर डिपेंड करता है सर, जो भी कॉलेज वाले निर्धारित करते हैं। जो निर्धारित हो? हाँ सर। तो मित्रों आपने देखा कि ये मशरूम उत्पादन करते हैं और सिखाते हैं, इसके साथ साथ में इनके स्टॉल पे बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहा हूँ जिसमें इन्होंने भुजिया वगैरह और गाठिया रखा है, तो ये बिस्किट भी रखा है। तो ये जो मेरे हाथ में बिस्किट देख रहे हैं इसमें मशरूम का बिस्कुट है ये, तो ये इसमें किस तरह से उपयोग इसमें कर सकते हैं मशरूम को? सर ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं इसमें हमने मशरूम को सुखा कर और फिर उसका पाउडर करके और फिर उसको इनमें यूज़ किया हुआ है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, 20% तक इनमें मशरूम का पाउडर इसमें मिलाया हुआ है। ये सर जैसे आटा कुकीज़ है तो जैसे आटा कुकीज़ बनाते हैं उसमें सर हमने 20% जो आटा है उसका 20% अनुपात में मशरूम का पाउडर मिला दिया है। अच्छा। उसके बाद में ये कुकीज़ बनाए हुए हैं। ऐसे ही ये सर मशरूम इंस्टेंट सूप है, इसमें मशरूम है और वेजिटेबल्स जो है उनको ड्राई करके इसमें डिहाइड्रेट करके डाला हुआ है,
और मशरूम का सूप है सर वो। ऐसे ही सर वो आलू भुजिया है, उसके अंदर भी हमने जो आलू और बेसन का वो है उसके अंदर मशरूम को डाला हुआ है सर। तो मित्रों अभी तक हमने देखा है कि मशरूम की सिर्फ कड़ी या सब्जी बनती है जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों पे देखने को मिलती थी, पर मैंने यहाँ स्टॉल पे देखा कि इसके जो रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं उसमें भी इनका उपयोग इन लोगों ने शुरू किया है। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे मशरूम उत्पादन को भारत में बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी आय को थोड़ी सी बढ़ा सकेगा, उसको आमदनी में इजाफा हो सकेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।